दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। बरावदार रानी देवली मीणा राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास की बालिका आज प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर के पास शिकायत के लिए पहुंची व मौके पर मीडिया को बताया कि राजस्थान सरकार शिक्षा के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, परंतु छात्रावास में समय पर खाना व फ्रूट आदि नहीं दिए जाते हैं और शिकायत करने पर वार्डन धमकियां देता है और सब्जी में कीड़े निकलते हैं। वह बालिकाओं ने बताया कि सरकार की ओर से नेपकिन आते हैं परंतु हमें दिए नहीं जाते हैं और प्रेमलता वार्डन के हस्बैंड रात्रि में ड्रिंक करके आते हैं व हमें धमकाते हैं। सुने मुजबानी प्रतापगढ़ से अनिल जटिया की रिपोर्ट। आज जो आपने कलेक्टर महोदय को जो ज्ञापन दिया, किस बारे में ज्ञापन दिया? हॉस्टल में गंदा गंदा आटा खाना खिलाते हैं और आटे में इल्लियाँ पड़ी हुई है और सब्जियों में भी इल्ली पड़ी हुई है और जो बाथरूम है वो शौचालय है वो भी हमसे साफ करवाते हैं और वो जो कौन करवाता है आपसे साफ? हाँ, कौन करवाता है? मैडम जी। अच्छा, मैडम जी करवाते हैं। हाँ। और आपने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन कितने बजे दिया आज? कितने बजे दिया लगभग आपने ज्ञापन? एक बजे। क्या कहा आपसे कलेक्टर महोदय ने? सर, हम चेक करने के लिए आए थे तो हमने मतलब सारी शिकायत बताई तो सर ये बोल रहे थे क्या मैडम थोड़ी ये डालते ही बोल रहे थे। वो पुष्पेंद्र जी। कौन बोल रहा था ऐसा आपसे? ये पुष्पेंद्र जी शेखावत ये बोल रहे थे। कौन है वो, वार्डन है क्या आपके? नहीं। तो क्या? पुष्पेंद्र जी शेखावत। अच्छा, क्या बोल रहे थे आपसे? केडी सर वो बोल रहे थे आपसे ना? हमने शिकायत की तो हमने ही बोला कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तो सर ने ही बोला कि आटे में और सब्जियों में क्या इलिया मैडम थोड़ी डालते हैं, तुम छोटी मोटी बातें लेके। तो आपको बोलना था कि तो फिर देख के बनाए, कल से हम बीमार हो गए तो फिर सब बताया था बीमार हो गए तो और मतलब वो आटे भी बताया था और सब्जियाँ मतलब वो सोले वगैरह सब बताया था, उसमें कीड़े थे लेकिन सर ये बोल रहे मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये समस्या कब से चल रही है आपके वहाँ पर? सर आए जब से स्कूल मतलब हॉस्टल खुली है जब से। कब से गए आप, अपने एडमिशन कब से करवाया? लगभग जुलाई से करवाते ना। कौन सा हॉस्टल की वारदात है? बारावर्दा की है ना। रानी देवली मीणा। रानी देवली मीणा राजकीय जनजाति आवश्यक आश्रम छात्रावास। तो आपने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था, उसके बाद में कलेक्टर साहब आए थे वहाँ पे? कलेक्टर साहब नहीं आए थे। तो कौन आया था? वो ही आए थे। अच्छा, वो आपके जनजाति टीएडी वाले है ना। हम आज चौकिंग गए थे तो वहाँ पे डरा दिया था हमको, ये बोल रहे तुम भी छोटी मोटी बातें लेके यहाँ पटकते रहते हो। अच्छा, थाने पे गए थे आप? हाँ, चौकी में गए थे बारावर्दा। अच्छा, बारावर्दा चौकी पे गए थे आप? वो मैडम के मिले हुए सीखे हुए हैं पहले से मतलब। अच्छा, आपको डरा धमका कर वापस भेज दिया है ना? हाँ सर, इसलिए हम यहाँ चले आए। अभी आपको यहाँ पर कौन लेके आए? अभी वो रास्ते में गाड़ी आ रही तो हम उसमें बैठ गए थे, एक अंकल जी उनके साथ आए। अच्छा, सभी उसी के साथ में आए आप? हाँ। आगे से नेपकिन आते वो भी नहीं मिलते और मतलब मैडम जी बोल रहे थे आगे से आते भी नहीं नेपकिन और तुमको क्या दूँ, और हम बीमार पड़ जाते तो हॉस्पिटल भी नहीं जाने देती है बाजार में और छुट्टी भी नहीं देती है, और हम बीमार पड़ जाते तो घर पर फ़ोन लगाने लिए फ़ोन लगाते लेकिन लगाते के नहीं देती है, और हमारा कुछ भी समस्या होती है तो वो पूरी करके नहीं देती है, हम जो बोलते वो करते भी नहीं है और सारा काम मतलब बाहर साफ सफाई वगैरह हमसे ही करवाती है सर। एक भी मतलब मैडम से ऑर्डर देती है बैठे बैठे, मतलब ये नहीं कि चौकीदार की भी कमी है, चौकीदार भी नहीं है, और हम आज चौकी में गए थे तो वो भी सीखे हुए, और एक भी मतलब चौकी पर आप गए थे शिकायत करने के लिए तो चौकी पर क्या कहा गया आपसे? सर यूँ कहा गया कि हम शिकायत कर रहे थे तो उन्होंने यूँ बोला कि तुम छोटी मोटी बातें लेके यहाँ आते हो, छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है ऐसे बेटा, ये तुम लोग वापस जाओ। तो आपके आपको बोलना था कल से अगर हम बीमार हो गए, हमारे साथ में कोई हादसा हो गया तो फिर उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? सर ये सब बोला था हमने लेकिन वो मान ही नहीं रहे वो मैडम, वो सीखे हुए। अच्छा। हाँ सर। और आप जो आपने ज्ञापन दिया उसमें ज्ञापन किस विषय में दिया था? जी सर, ज्ञापन जो दिया ना आपने। हाँ सर। उसमें क्या क्या समस्या लिखी आपने? सर वही है मतलब खाना सही नहीं देते हैं, इसमें सारे मतलब खाने पीने में इलियाँ पड़ी हुई है, शौचालय हमसे साफ करवाती है और जंग लग जाते तो पैसे हमसे लेती है, और सारी लड़कियों को डराती रहती है, और फल फ्रूट तरह तरह का। क्या नाम मैडम का? क्या नाम है? लता मीणा। लता मीणा वार्डन है क्या? हाँ, कोस मैडम भी है। कोस मैडम भी है ना, वार्डन भी है। तो आपने अपने माता पिता को बताया अभी तक?
जी सर, मतलब अभी बहुत सारी लड़कियों ने बताया डरती है बेचारी, वो घर पे फ़ोन लगा के पहले ही शिकायत कर देती है कि आपकी लड़का ये कर रही है, बाउंड्री कूद के जा रही है, ऐसे झूठ बोलती रहती है। अच्छा, बेचारी लड़का कुछ भी जानती भी नहीं है। आज जो बारवरदा चौकी में गए थे तो वहाँ पर मौजूद कौन था, आपको नाम याद है उनका? सर क्या नाम था उनका? दशरथ नाम था। दशरथ जी? हाँ। दशरथ जी कौन है? सर चौकी में रहते हैं वो, मेन कुर्सी पे बैठते हैं वही। अच्छा, दशरथ जी ना। क्या कहा उन्होंने आपसे? सर हमने ये बोला कि सर थोड़ी प्रॉब्लम है, हम आपसे बताने आए, तो सर ने ये बोला कि बेटा बताओ, तो हमने बताया कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, खाने में वगैरह में सब कुछ बताया, तो ये बोल रहे कि बेटा ये तो बातें चलती रहती है, तुम वापस हॉस्पिटल जाओ। और हमने उन्होंने हमको धमका फिरा के फिर यहाँ भेज दिया, और मैडम जी ने हमको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया कि तुम तो यहाँ से यहाँ खाना भी मत खाना और बाहर निकलो, अपने घर जाके खाना ना, यूँ बोल रहे। अच्छा, इसके बाद में आपने ज्ञापन दिया है ना? तो ज्ञापन में क्या चीज़ें लिखी थी आपने? जी सर, जो ज्ञापन दिया ना। हाँ सर। किस विषय में ज्ञापन दिया था, क्या क्या लिखा था आपने? सर हमने ये बोला, एक तो चौकीदार चाहिए हमको, लता मीणा हमको नहीं चाहिए। अच्छा। और उनके वार्डन जो है वो भी आता रहता है, वो पी कर आता है और वही सोता है, जो सरप पी कर आता है ना। हाँ। शौचालय के बारे में सब। तो मैडम कुछ नहीं बोलते क्या? नहीं, कुछ नहीं बोलते ना। वो उनका हस्बैंड है क्या? हाँ। वो सरप पी कर आते हैं ना? जी सर। लड़कियों के बीच में वो? जी सर। तो आप क्या चाहते हैं, आप आपकी मांगे क्या है? सर हम ये चाहते हैं कि हमको ऐसी मैडम नहीं चाहिए और सब सुविधाएं सही हो, और लड़कियाँ सही बीमार ना होनी चाहिए, सब ठीक ठाक होना चाहिए। लड़के सारी की सारी बीमार होती है, सबको अच्छे दस्ते लग गए। इसने कौन कौन लड़कियाँ बीमार हुई? सारी लड़कियाँ हो गई थी सर। आप खड़े हो जाओ सब, खड़े जो भी समस्या आप भी बोलो। हम बीमार हो गए थे, रोटी खाने से रोटी अच्छी नहीं बनती है इसलिए। अच्छा, खाना कुल मिला के आपको खाना भी सही ढंग से नहीं दिया जाता है ना? हाँ। दूध भी पाउडर पे मिलाती है और हमको नाश्ता कुछ भी देती नहीं। अच्छा, नाश्ता भी नहीं देते? थोड़ा ही देती है, एक किलो ही पोया बनाती है। अच्छा, एक किलो पोया। कितने कितनी लड़कियों के बीच में एक किलो पोया बनाते हैं? 50 लड़कियों के बीच में। घर पे ले जाती सामान, गाड़ी में भर कर। तो आपके पास में कुछ सबूत है? और चेक करने के वालों की खबर आई तो उन्होंने मतलब एक दिन पोहे अच्छे बनाए थे और उसमें प्याज डाले थे और सिंगदाने डाले थे और सब्जियों में टमाटर भी। अच्छा, जिस दिन चेकिंग करने के लिए आए थे उसी दिन अच्छे बनाए थे ना? हाँ। उसके बाद नहीं बनाए ना? नहीं।